गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रेन, टुडे आई एम टेलिंग यू अबाउट अर्थिंग। आई ऑलरेडी सेंड यू पेपर ऑन दिस टॉपिक। टुडे यू सी दैट व्हाट इज अर्थिंग। अर्थिंग क्या है? व्हेन यू कनेक्ट द मेटेलिक पार्ट ऑफ द अप्लायंस और इंस्टॉलेशन टू द ग्राउंड कॉल्ड अर्थिंग और ग्राउंड। मीन्स इन आवर डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ अप्लायंसेस एंड मेड बाय सम मेटेलिक पार्ट्स। So this metallic part need to earthed। जितने भी हमारे घर पे उपकरण हैं, अप्लायंसेस हैं या इंडस्ट्री के हैं, तो इन सभी के मेटेलिक पार्ट को अर्थिंग करना बहुत ही आवश्यक है। या ये कह सकते हैं कि मेटेलिक पार्ट को अर्थ से कनेक्ट करने को ही हम अर्थिंग कहते हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था बच्चों फ्यूज के बारे में, एमसीवी के बारे में, आइसोलेटर के बारे में। दीज आर द सेफ्टी डिवाइसेस। अर्थिंग भी एक काफी सेफ्टी प्रोवाइड करता है। अर्थिंग जो है इट इज ऑल्सो प्रोवाइड सेफ्टी। कैसे अभी अर्थिंग आपको सेफ्टी प्रोवाइड करता है? सो लेट अस स्टार्ट स्टार्टिंग पॉइंट। इन नियर बाय जो हम लोग घर पे सप्लाई आती है, तो जहां से आता है उसके बारे में वहां से हम देख लें। अपने नियर बाय में या सब स्टेशन हो या कोई पोल हो जहाँ पर ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफार्मर। दिस इज सिंबल ऑफ ट्रांसफार्मर। ओके, अब ये ट्रांसफार्मर जो होगा ये आपका होता है 3-phase ट्रांसफार्मर। ओके, 3-phase ट्रांसफार्मर। यहां से इसके इनपुट में सब स्टेशन से सप्लाई आता है और इसके आउटपुट से हम लोगों के घरों पर सप्लाई आता है। तो इसमें जो वायर्स होते हैं आउटकमिंग, दिस इज द इनपुट साइड एंड दिस इज द आउटपुट। इस आउटपुट में आपके 3 wires होते हैं, 3-phase wire होते हैं। ओके, ये 4 wire हुए, 1, 2, 3, 4। 4 wire से सप्लाई हमारे घर पे आती है, बट इसमें से घर पे जो हमारी सप्लाई आएगी, एक ये जो इसमें है, ये क्या पहला है, phase 1, phase 2, and phase 3, and neutral। ठीक है, इन फेज को क्रमश RYB भी कहते हैं, R phase, Y phase, and B phase। ओके, जनरली हमारे घर पे जो सप्लाई आता है वो इनमें से एक न्यूट्रल होगा और एक कोई फेज वायर होगा।
यहाँ पे जो ये थ्री फेज का कॉन्सेप्ट है, दिस इज अ 440 वोल्ट एसी सप्लाई 50 एम्पीयर। अब यहाँ पर जो हमने एक फेज और नेटवर्क वायर लिया, यहाँ पर जो हमारे घर पे सप्लाई आएगा 220 वोल्ट एसी, मीन्स सिंगल फेज सप्लाई हमारे घर पे आता है। अब हमारे घर पे जो ये सप्लाई आ रहा है 220 वोल्ट एसी सप्लाई, अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि कहीं पर भी हम लगे घर पे अर्थिंग का सप्लाई या अर्थ वायर नहीं आता है। ओके, तो अर्थ वायर आता कहाँ से? अर्थ वायर जनरली हम अपने घर पे उनको उसको बनाते हैं, इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। और जितने भी आप देखेंगे जितने भी पोल या टावर, इलेक्ट्रिक ट्रेन के पोल जो होते हैं, रेल की पटरी आती हैं, इन सभी को अर्थिंग किया जाता है, अर्थड किया जाता है। आपने देखा होगा कि मेटल स्ट्रिप के द्वारा सभी को, जितने भी मेटेलिक पार्ट हैं आउटडोर में या इंडोर में, सभी को अर्थिंग किया जाता है। इसका पर्पज यही है कि जो भी हैवी करेंट या शॉर्ट सर्किट के दरमियान जो चार्ज या करंट फ्लो रहा है, उसको ग्राउंड में अर्थवायर के माध्यम से सेंड कर दिया जाए, ताकि जो नियर बाई में जितने भी आपके कोई मनुष्य एनिमल्स रहते हैं, तो उनको इस एक्स्ट्रा चार्ज, एक्स्ट्रा करंट या लीकेज करंट से होने वाले हानियों से बचाया जा सके। ओके, चलिए आगे यहाँ से चर्चा करते हैं। ट्रांसफार्मर से हम लोग आगे यहाँ पर डोमेस्टिक सप्लाई 220 वोल्ट 2 वोल्ट एसी सप्लाई हमारे घर के जो अप्लायंसेस हैं ऑपरेट करने के लिए फेज और न्यूट्रल इनफ, ठीक है, एन एल मीन्स एल फॉर लाइन या फेज के लिए जितने भी डोमेस्टिक अप्लायंसेस हैं इस पावर सप्लाई पे ऑपरेट होते हैं 220 वोल्टेज, ठीक है। देन अर्थ क्या हो सकता है? ओके, यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि हमारे घर पे जो वायरिंग सिस्टम होता है उसमें जो वायर इंस्टॉल किए जाते हैं उनके लिए कलर कोडिंग भी किया गया है। फेज होगा या लाइन वायर होगा, दिस इज फॉर रेड, नीडल वायर होगा दिस इज फॉर ब्लैक, एंड अर्थ वायर के लिए यूज करते हैं ग्रीन कलर, इट इज इंडिकेटेड बाय ई एंड इट्स सिंबल इज लाइटिंग, सिंबल ऑफ अर्थिंग। एक और आपको मैं स्टोरी बताना चाहूंगा, गांव में आज भी क्या करते हैं कि टायर तार या वायर को सेव करने के लिए पोल से, जो नियर बाई में पोल होता है, इस पोल से केवल एक ही वायर के माध्यम से अपने घर में सप्लाई लेके आते हैं, लाइन या फेज वायर, एंड टेक अप 2 फीट और 3 फीट आयरन रॉड ओके, एंड स्टिच अ वायर, स्टिच अ वायर
यहाँ से आप कह सकते हैं एक वायर को कनेक्ट कर देते हैं, बांध देते हैं टाई वायर यहाँ से, और इसी का यूज करके अपने घर के अप्लायंसेस को ऑपरेट करते हैं। यहाँ पर भी आपका 222 वोल्टेज एसी सप्लाई होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम लोग के पास ऑप्शन था एल और एन, लाइन वायर एंड फेज न्यूट्रल वायर, बट अगर आपके पास न्यूट्रल वायर नहीं है तो आप एक रॉड के माध्यम से जमीन में इंसर्ट कर देंगे और उसे वायर कनेक्ट करके एज ए न्यूट्रल आप यूज करते हैं, बट दिस इज ए रॉन्ग मेथड। अर्थ का यूज किया जाता है ओनली फॉर सेफ्टी पर्पज, बट गांव में क्या है कि वायर को सेव करने के लिए, वायर को बचाने के लिए पोल से वायर लेके आते हैं, एक सिंगल फेज वायर लाइन और जमीन में एक 2 फीट का रॉड इंसर्ट करके उससे एक वायर ले लेते हैं जो न्यूट्रल का वर्क करता है और जितने भी अप्लायंसेस है उससे वर्क करता है, बट दिस इज अ रॉन्ग मेथड। ऐसा नहीं करना है, हमें जो है अर्थ का यूज करना है सेफ्टी पर्पज के लिए, ओके। हमारे जितने भी अप्लायंसेस हैं एल और एन से ऑपरेट होते हैं। अब अर्थ वायर को हम कहाँ कनेक्ट करते हैं, मैं आपको एक इसमें वीडियो दिखा रहा हूँ, इमेज जिसमें आप देखेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर है ये मेटेलिक पोल जिसको अर्थ किया गया है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं प्लग का। मैक्सिमम जितने भी हमारे घर के अप्लायंसेस हैं सभी के प्लग जो होते हैं 3 पिन वाले होते हैं, ओके। और 3 पिन में इसमें क्या क्या होता है, एक होता है एक टर्मिनल जो होता है प्लग का न्यूट्रल एंड सेकेंड टर्मिनल होता है दिस इज फॉर फेज एंड थर्ड टर्मिनल होता है दिस इज फॉर अर्थ। जैसा कि मैंने आपको कलर कोडिंग बताया था कि यहाँ पर फेज के लिए या लाइन वायर के लिए हम रेड कलर का यूज करते हैं, न्यूट्रल के लिए ब्लैक एंड अर्थ के लिए ग्रीन वायर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे जो अप्लायंसेस पे ऑपरेट होते हैं दोनों पे, फेज और न्यूट्रल पे। अर्थ क्या करता है, अब उस केस में अगर आपने घर पे अर्थिंग किया हुआ है, अर्थिंग बनाया है, तो अर्थ का वर्क है कि जैसे ही कोई किसी भी प्रकार का लीकेज करंट हुआ या शॉर्ट सर्किट हुआ, उस केस में इस अर्थ के माध्यम से पूरा का पूरा करंट जो है ग्राउंड में चला जाता है, ओके। यहाँ पर देखिए आपको एक और इमेज दिखाई दे रहा है नीचे गाँव में, इलेक्ट्रिक प्रेस। मोस्ट ऑफ जो करंट लोगों को लगा होगा वो इस प्रेस के माध्यम से बहुत लोगों को करंट लगा होगा, उसका रीजन यही है अगर उस समय उस प्रेस से जब आपको करंट लगा हुआ जिसे उस प्रेस को अर्थिंग दिया रहा होता या अर्थित रहा होता तो उस समय आपको प्रेस से करंट नहीं लगता। यहाँ पर होता क्या है, यहाँ से 3 वायर आ रहे हैं और फेज और न्यूट्रल के टर्मिनल जो है कनेक्ट हो गए इलेक्ट्रिक आर्म में। जो ग्रीन वायर है आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन वायर इसके बॉडी से टच होता है, और आप जानते हैं कहीं ना कहीं आप इलेक्ट्रिक प्रेस को चेक करने के लिए उसके बॉटम को टच करते हैं कि गर्म हुआ कि नहीं, तो उसी दरमियान अगर किसी तरह का फॉल्ट है प्रेस में तो करंट लगता है। अगर आपने अर्थ किया हुआ है तो उसमें क्या होगा कि जो इसके बॉडी पे एक्सेस चार्ज इकट्ठा हो रहे हैं ये इस अर्थ वायर के माध्यम से ग्राउंड में चला जाएगा जिससे कि आपको करंट नहीं लगेगा। अर्थिंग आपका एक सेफ्टी डिवाइस की तरह वर्क करता है, ओके। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं अर्थिंग इसके आगे से बताऊंगा। धन्यवाद।